हम खड़े हैं फिलहाल झारखंड के हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र, दोनों है हजारीबाग। और हजारीबाग में चार विधानसभा क्षेत्र हैं, बरकट्ठा, बरही, मांडू और एक अपने आप में खुद हजारीबाग। हजारीबाग की सियासी दखल जो है बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती रही है, चाहे वह लोकसभा क्षेत्र हो या फिर विधानसभा क्षेत्र। सुबह में मतगणना होनी है, लेकिन कोई भी ऐसा वैसा कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है। हर किसी के लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हैं। ये मतगणना हॉल है, तो ऐसे मतगणना हॉल जो है वो कई बनाए गए हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए, और टोटल 96 राउंड की मतगणना होनी है यहाँ। और यहाँ पर जो अंदर की क्या व्यवस्था है, ये निर्वाचन केंद्र के एक सहायक हैं। क्या व्यवस्था है अंदर? अंदर सभी जगह टेबल लग गया है, चार हॉल है, चार विधानसभा के लिए सभी मतदाता कर्मी और प्लस जो पार्टी के लोग आएंगे सबके अलग अलग बैठने की व्यवस्था किया गया है। सभी जगह पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और मीडिया के लिए भी अलग जगह दिया गया है। ब्रैकेटिंग चारों तरफ हो चुका है, सभी मतलब सब तरह की तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है। तो सब तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। केंद्रीय तौर पर मेडिकल टीम भी तैनात की गई है यहाँ पर, और इस तरीके से ताकि मतगणना बिल्कुल सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके, हर जिला मुख्यालय में इस तरीके से एक व्यवस्था की गई है ताकि मतगणना संपन्न हो। और इस मतगणना के बाद झारखंड गठित करेगा अपनी एक नई विधानसभा, अपनी एक नई सरकार। देखना है इस सरकार का चेहरा क्या होता है, और जो मतदाता हैं उन्हें फिर उस सरकार से क्या उम्मीदें बनती हैं। कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ हजारीबाग से स्वराज एक्सप्रेस के लिए नवेंदु।